हेलो बच्चों, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही खास बात, जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है और इवन ये बच्चे को तो कन्फ्यूज़न होता ही है, गार्जियन को भी कन्फ्यूज़न थोड़ा होता है। इसलिए जो ये सबके लिए ज़रूरी है, जो 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, जो 11 में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, जो 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, जो IT और NEET क्वालिफाई कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। तो अब समझ सकते हैं वो खास चीज़ क्या है। तो हम जो खास चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क है, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क है, क्योंकि बराबर हमसे बच्चे पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आया है हमारे कि इस पर थोड़ा डिस्कस करें, और बराबर ये बच्चे पूछते हैं और मैक्सिमम बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि परसेंटेज क्या है और परसेंटाइल क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का फ़ायदा क्या है, दोनों का घाटा क्या है। तो इस सारे बात पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क है। एक रोज़ पहले आपका JEE मेन का रिजल्ट भी निकला है, जिसमें कि रिजल्ट परसेंटाइल दिया जाता है, तो ये मैक्सिमम बच्चे को कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसलिए जरा इसको ध्यान से देखें, आपका 10 मिनट में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए, परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, सपोज किसी भी स्टेट में मान लेते हैं कि 1,00,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है, सपोज कितना स्टूडेंट, 1,00,000 पर हम बात कर रहे हैं, है ना, 1,00,000 पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1,00,000 बच्चा जो है एग्जाम दिया है सपोज। और मान लो हम इसमें कुछ नाम हम जैसे ऊपर से नीचे तक लिखे हुए, सबको नाम नहीं जा सकते, कुछ बच्चे का हम नाम डाले हुए हैं, है ना। मान लीजिए जैसे अनुभव है, रंजन है, आद्या है, स्वीटी है, कुणाल है, नितेश है, ऋतिक है, सुमित है, ऋषभ है, देवेश है, है ना, पुरु है, शिवम है, स्वीटी है, अंकुर है, नयन है, दिनकर है, आर्यन है, आवेद है, आदित्य है, उत्सव है, जैसे मान लीजिए सारा बच्चा है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात करें, सपोज मान लेते हैं टोटल मार्क्स भी हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, टोटल मार्क्स मान लीजिए कि 700 है, टोटल मार्क्स कितना है, 700 है, मान लो कुणाल को आ गया एग्जाम में 660, नितेश को आ गया मान लो 655, इस तरह से मान लीजिए कुणाल को 660 है, नितेश को आ गया 655, इस तरह से मान लो कि मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब पहले हम किसी एक पर बात करते हैं, मान लो कुणाल पर ही बात करते हैं, है ना, और परसेंटेज क्या होता है ये तो आप जानते हो, परसेंटेज क्या होता है ये तो जानते हो, क्या तरीका है परसेंटेज के लिए, जो भी आपका मार्क्स ऑब्टेन होगा, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, तो सही बात है, तो मार्क्स ऑब्टेन कितना, मार्क्स ऑब्टेन हम बात कर रहे हैं कुणाल के लिए, किसके लिए, सपोज यहां पर ये कुणाल है तो 660 टोटल मार्क्स 700 है तो इंटू 100 हो गया। अब ये बताइए कितना परसेंट हुआ इसका, 94.28%, ये इतना परसेंट मार्क्स हुआ। देखिए ये ध्यान रखिए, अगर जैसे किसी का परसेंटेज अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ 94.28 है, तो इसका परसेंटाइल कुछ और हो सकता है, हो सकता है परसेंटाइल 99 चला जाए, है ना, 96 चला जाए, परसेंटाइल 98 चला जाए, तो अब उस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये परसेंटेज समझ गए क्या है, ये तो आपको पता है, इसमें कोई बात नहीं। अब देखो कि परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल पर भी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं परसेंटाइल में कुणाल के लिए ही,
कुणाल का परसेंटाइल कितना होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कुणाल का यहाँ पर कितना नंबर है? पांचवा नंबर है, सीरियल नंबर 5 है। और ये जो अरेंज किया गया, ये टॉप टू बॉटम, यह जो है ये रैंक वाइज है, ये रैंक वाइज जो है इस तरह से नाम लिखा गया है, पहला दूसरा, जैसे टॉप में अनुभव है जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है रैंक वाइज नाम दिया गया है, ठीक है, रैंक वाइज नाम दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए परसेंटाइल क्या होता है, तो कुणाल किस नंबर पर है? पांचवें नंबर पर है। तो कुणाल के नीचे कितना स्टूडेंट है? 1 लाख बच्चे पर हम बात कर रहे हैं। कुणाल के नीचे कितना स्टूडेंट है? एकदम देखिए, हम इसको शुद्ध हिंदी में लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल स्टूडेंट कुणाल के नीचे जितना है, है ना, है ना, कुणाल के नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। शुद्ध हिंदी में बढ़िया से समझिए इसको, कुणाल के नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, और नीचे जो है टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम दिया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम दिया था, ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम दिया था, और उसके बाद इसको जो है आप 100 से गुना कर दीजिए। तो आप ये बताइए कि कुणाल के नीचे कितना स्टूडेंट, ये इसका पांचवा नंबर है, इसका मतलब 99,995। तो 99,995 स्टूडेंट इसके नीचे है, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 लाख, और यहाँ पर 100 से गुना करिए इसको, ये 0000 खत्म, तो 99.995 ये इसका परसेंटाइल हुआ, 99.995 ये इसका परसेंटाइल हुआ। अब परसेंटाइल का मतलब ये हुआ, प्रैक्टिकल मतलब क्या है, इसका परसेंटाइल का क्या फायदा है, ये इंडिकेट करता है कि कितना परसेंट स्टूडेंट कुणाल के नीचे है। तो कुणाल के नीचे कितना स्टूडेंट है? 99.995, इतना परसेंट स्टूडेंट कुणाल के नीचे है। बात समझ में आया? तो सबसे पहली बात कि किसी भी दो बच्चे का सेम परसेंटाइल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, लेकिन परसेंटेज सेम हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा फर्क है। और परसेंटाइल का ये फायदा है कि किसी भी दो बच्चे का परसेंटाइल समान नहीं हो सकता है, परसेंटाइल किसी भी दो बच्चे का सेम नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली सेम अलग बात है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट बात हम एग्जैक्ट पे करते हैं, वो रैंक डिसाइड करता है। मतलब यहां से कितना बच्चा आपके नीचे, एग्जैक्ट आपका ऊपर से नीचे रैंक डिसाइड नहीं होगा, है ना, वो भी आपको पता चलेगा, लगभग पता चल जाता है, वो भी हम बात करेंगे। तो यहां जो है इतना परसेंटाइल का मतलब हुआ कि इतना परसेंट स्टूडेंट जो है वो कुणाल के नीचे है। अब मान लो जैसे हमको नितेश का परसेंटाइल पता करना है, ये समझ के बात, अब लो अब यहां पर जो है नितेश का परसेंटाइल हमको पता करना है, तो अब इसके नीचे कितना स्टूडेंट है ना, तो नितेश के नीचे स्टूडेंट पता करना है कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नितेश के नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, और उसके बाद टोटल स्टूडेंट इनटू 100। तो बोलिए साहब इसके नीचे कितना स्टूडेंट है? 99,994। और यहाँ टोटल स्टूडेंट कितना? 1 लाख है, और गुना क्या? 100 है, तो कितना हो गया बताइए, तो इसका परसेंटाइल 994 परसेंटाइल इसका हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? परसेंटाइल ये हुआ, मतलब ये हुआ
इसका परसेंटाइल 99.994 और इसका कितना था कुणाल का 99.995। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतना परसेंट स्टूडेंट नितेश के नीचे है। आई बात समझ में? फर्क समझ में आया क्या है? ठीक है, फर्क समझ में आया। देखो जबकि कुणाल का परसेंटेज कितना था 94.28, अब परसेंटाइल कितना हो गया 99.995। तो इसका देखो ये मतलब कभी नहीं समझना, जिसका परसेंटाइल 99. सपोज अगर 99 है तो उसको मार्क्स उतना परसेंट होगा, मार्क्स हो सकता है उसको 80% ही हो, मार्क्स 80% ही हो, परसेंटाइल 99.99 जा सकता है। ये जनरली मिसकंसेप्शन सोचते हैं कि अच्छा इतना परसेंट मार्क्स है तो लोग को थोड़ा बीपी बढ़ जाता है कि हमको उतना लाना होगा स्टूडेंट के लिए, तो ऐसा नहीं है। परसेंटाइल और परसेंटेज अलग अलग है। परसेंटाइल जिसका 19.999 भी है, हो सकता है मार्क्स उसको 80% ही हो। बात समझ में आ रहा है फर्क क्या है? तो यह जो है फर्क है। और जैसे जितना परसेंटाइल है अगर ये आपको पता हो तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नीचे कितना स्टूडेंट है और आपके ऊपर कितना स्टूडेंट है। ये सबसे बड़ा फायदा परसेंटाइल का है। आप ये पता कर सकते हो कि आपके नीचे कितना स्टूडेंट है और आपके ऊपर कितना स्टूडेंट है। जैसे मान लो अब हमको जैसे इसका परसेंटाइल नितेश का इतना है, ये बात तो समझ गए। देखिए यहां जैसे नितेश का परसेंटाइल है 99.994, ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल है। तो हम पता कर सकते हैं कि इसके नीचे कितना स्टूडेंट है, इसके नीचे कितना स्टूडेंट है, ये पता कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 1,00,000 बच्चा बैठा है उसका इतना परसेंट है ना। तो जैसे अगर 1,00,000 बच्चा बैठा है तो 1,00,000 का 99.994%, ये जीरो खत्म, 1,000 से गुना करिए इसको, अब देख लीजिए इतना बच्चा आपके नीचे है, किसके नीचे है, बिलो नितेश। तो आपके ऊपर कितना बच्चा है, आपके अबव कितना बच्चा है, 1,00,000 टोटल था, मात्र 6 बच्चा आपके ऊपर है। इस परसेंटाइल से आपको पता चल गया। और यहाँ पर ये इसका प्रूफ हो गया, देख लीजिए। हाँ 5 बच्चा, चूंकि इसका जो है नितेश छठा है तो इसके ऊपर कितना बच्चा हो गया आपका, 5 बच्चा हो गया। बात समझ में आया? अब यहाँ से दोनों बात क्लियर हो गया, परसेंटेज का क्या फ़ायदा है और परसेंटाइल का क्या फ़ायदा है, समझ में आया? दोनों का घाटा भी है ना, दोनों का घाटा भी है। परसेंटेज में क्या है कि उसका एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता चलता है, इसमें एग्जैक्ट मार्क्स उसका पता नहीं चलता, ये रैंक वाइज पता चलता है। बात समझे कि नहीं? जैसे मान लो कि कोई 2 साल पहले एग्जाम दिया हो, कोई अभी एग्जाम दिया है ना, अगर दोनों का परसेंटेज सेम है तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम लेवल का लड़का है, परसेंट उसका भी 89 है, इसका भी 89 है, तो आप नहीं कह सकते दोनों लड़का का लेवल समान है। इसलिए हो सकता उस बार आसान क्वेश्चन आ गया होगा, नंबर ज़्यादा ला लिया, इस बार कठिन क्वेश्चन आ गया होगा। बात समझ रहे हो? तो ये फर्क है। लेकिन परसेंटाइल में क्या है, परसेंटाइल का क्या फायदा है कि एग्जाम कितना भी कठिन हो, एग्जाम कितना भी कठिन हो, आई बात समझ में, एग्जाम कितना भी कठिन हो, परसेंटाइल जो है आपका ऊपर से नीचे जब जाएगा तो उसमें रैंक में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो रैंक डिसाइड करते हैं, मार्क्स आपको कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं है। तो लड़के के स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन हल्का हो कि भारी हो। बात समझ गए ना? तो ये परसेंटेज और परसेंटाइल में जो है ये फर्क होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ये समझ गए? तो चलिए, जिसको कन्फ्यूजन है इसको आप लोग एक बार लिख भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। और इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।